नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं, पर जो मैंने क्वेश्चन डाले उनका आंसर वहां पोस्ट करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो यह वीडियो सिर्फ उन 14 क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए, ताकि जो लोग वहां पर जाके अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सही उत्तर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे एक दो इन 14 क्वेश्चनों में डिफर करते हैं क्वेश्चन, उनको आप तक पहुंचाने का या अपना नजरिया रखने का मेरे पास यही एक तरीका था कि मैं आपके सामने इसको वीडियो के फॉर्म में लेके आऊं। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चार प्रकार की एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, या कह लीजिए चार प्रकार की विद्याएं हैं, उनके ऊपर काम करता हूँ, उन्हीं के ऊपर पढ़ाता हूँ, उन्हीं के ऊपर चार्ट का विश्लेषण करता हूँ। यानी किसी भी कुंडली को देखना हो तो, अगर मैं किसी का भी चार्ट एनालिसिस करना हो तो इन्हीं में से कोई एक चार्ट एट ए टाइम लगाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि जातक का अगर कोई स्पेशल इंटरेस्ट है तो उससे मैं बता सकूँ। तो ये है भृगु नंदी नाड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन भृगु नंदी नाड़ी पे था, दूसरे नंबर पे मैं न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूँ, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो न्यूमरोलॉजी का है। थर्ड नंबर पे मैं वैदिक के साथ जाता हूँ, और वैदिक का एनालिसिस के टाइम चार्ट एनालिसिस के लिए तो मैंने जो करना है उसके ऊपर काम वो सबसे ज्यादा किया है, लेकिन अभी तक आप लोगों के सामने लाने की शुरुआत हुई है, इसीलिए मैं उसका यूज जो है या प्रयोग जो है वो तीसरे नंबर पर करता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी चार्ट का एनालिसिस करना हो तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी चार्ट का प्रयोग या उसका एनालिसिस है मैं सिर्फ पहले वैदिक से ही करता हूँ। तीसरे नंबर पे जैसा मैंने कहा कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन डाला, तो वो एक प्रश्न कुंडली के फॉर्म में डाला था, लेकिन वो डाला उसी का था। चौथे नंबर पर मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन डाला था। तो इन्हीं सब चीजों का एक सीक्वेंस है मेरा, और इन्हीं में मैं अपना आगे जो है एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से लेके 14 प्रश्न का उत्तर दूंगा। आने वाले समय में जब दोबारा फिर 14 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उनका एक सेकेंड पार्ट में आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन था, भृगु नंदी नाड़ी में पुत्र का कारक ग्रह कौन है? तो सूर्य यहाँ पर पुत्र है, सूर्य को भृगु नंदी नाड़ी में पुत्र के कारक के लिए हम देखते हैं। अंक ज्योतिष में पत्नी को किस अंक से देखना चाहिए? मैरिज को हम न्यूमरोलॉजी में, या लक्ष्मी यंत्र में, न्यूमरोस्कोप में, या न्यूसो ग्रिड में, जो भी आप नाम कहना चाहें, उसमें सेकंड हाउस से मैरिज को, सेकंड नंबर से हम मैरिज को देखते हैं, तो इसलिए पत्नी के लिए मैं उसी को देखता हूँ। प्रश्न कुंडली में यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो तो ये क्या दर्शाता है? यह क्वेश्चन जो है एक वैदिक प्रणाली पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रणाली पर आधारित है, तो मैं इसका जो इफेक्ट देखता हूँ वह देखता हूँ कि उत्तर जो है यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं कि नकारात्मक ही मिलेगा। जो चौथा क्वेश्चन है, नाम और प्रसिद्धि, नाम प्रसिद्धि और सरकारी नौकरी नौकरी के लिए कौन से ग्रह कारक हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सूर्य और बृहस्पति का बहुत से लोगों ने आंसर किया है, बट मैं जो इसको पर्सनली देखता हूँ, सूर्य और शनि को इस चीज के लिए मैं लेता हूँ, क्योंकि जो शनि है जो वो प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, और प्रोफेशन में जब हम जाते हैं तो एक नौकरी उसका अहमियत हो जाती है, और सूर्य से नेम फेम मिलता है, तो इसलिए मैं स्वयं सूर्य और शनि को इस चीज के लिए, नाम प्रसिद्धि और सरकारी नौकरी के लिए लेता हूँ। आपकी भविष्यवाणी क्या होगी यदि केपी ज्योतिष, अगर आपके चार्ट में प्लेनेट, आपका नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड अगर ये नंबर दिखाता है 2, 7, 10, 11 या 4, 7, 8, 10 और तीसरे नंबर पे 1, 6, 8, 12, तो मैं इसके लिए जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये चीजें लेता हूँ, साझेदारी और व्यवसाय में कठिनाइयां और रुकावटें।
कुछ लोग इसको विदेशी से भी ले, विदेश वाली नौकरी से भी ले सकते हैं, या नौकरी से कह सकते हो कि समस्याएं भी दिखाता है, विवाह भी दिखाता है, लेकिन जितने चार्ट मैंने स्टडी किए हैं उसमें के अंदर मैंने ये पाया है कि साझेदारी और व्यवसाय में कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं अगर हम इस तरह की ये हमारे पास नंबर आते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए यह हम कुंडली में कैसे देख सकते हैं। सभी लोग हम लोग पंचम भाव और नमो भाव से हम अपनी पूजा के लिए आस्था के लिए देखते हैं, बट मैंने जो अपने इस समय के लिए जितना भी टाइम से मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुआ है उसमें जो नवम और पंचम भाव से भी बहुत महत्वपूर्ण मैंने पाया है कि जो आपकी पारिवारिक परंपरा है और विश्वास प्रणाली के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। तो इसमें खाली पंचम और नवम भाव के अलावा अगर देखे जाए तो आपकी हो सकती है कि आप किसी ऐसे देवता की या किसी ऐसे देवी की पूजा करते हो जो पंचम और नवम भाव से ना दिखता हो और वो आपके फोर्थ हाउस से या सेकंड हाउस से दिखता हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी पारिवारिक जो भी है फैमिली ट्रेडिशन जो है या आपकी जो कुल की परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। तो मेरा उत्तर इसका ये है। नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है, यदि हम वैदिक ज्योतिष में आठवें भाव को सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया है, अष्टम भाव से संबंधित कार्य एक तरह से वैदिक का काम करता है। प्रश्न कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न में हो तो क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने लिया है चंद्रमा ही प्रश्नकर्ता की मन स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आप ये भी ले सकते हैं कि इसके चांसेस काफी आंसर को नेगेटिव करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव और बहुत सी चीजों के ऊपर जाके रिजल्ट देता है। तो बेसिकली अगर मैं खुद अगर स्वयं किसी पर्सन कंपनी में लेता हूँ तो इसको उसकी मन की स्थिति को, क्योंकि वो पर्सन करता जो है उसकी मन की स्थिति वहां पर उस राशि या उस ग्रह के हिसाब से हम लेने में हमें अच्छा परिणाम मिलता है। अंक ज्योतिष में किस नंबर से हम नौकरी की अच्छी स्थिति दिखाई देती है, यानी न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर 1 से 9 है, हम जिसको ग्रिड बनाते हैं, न्यूमरोस्कोप बनाते हैं या लक्ष्मी यंत्र जिसको मैं बोलता हूँ वो बनाते हैं, तो इनमें से हम अगर कोई भी, ये अभी आपको नहीं बताएगा क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में एक युक्ति की तरह नंबरों को कंसीडर करता हूँ ताकि आगे लोगों को बता सकूं कि भी आपको क्या चीजें और अच्छी और क्या चीजों की सावधानी रखनी है। तो मेरी इसमें एक अलग तरह की प्रैक्टिस है और मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं यहाँ पर 1 और 5 नंबर को लेता हूँ और यही सिग्निफिकेंस अपने कोर्स में भी, न्यूमरोलॉजी के कोर्स में भी पढ़ाता हूँ। 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, किस ग्रह में दैनिक दिनचर्या करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है, बहुत से लोग उत्तर देना पसंद करेंगे कि शनि जो है हमारे डेली जो हम काम करते हैं या प्रोफेशन है जिसपे हम काम पे जाते हैं उससे देख सकते हैं। तो परंतु अगर हम काम में भी जाते हैं कितनी एनर्जी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है ऊर्जा है, ऊर्जा हम किसी भी जातक की मंगल से देखते हैं। केतु महाराज के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है जिससे आपको कभी भी पूरा परिणाम ना लगे, तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ जहां पर भी आपका केतु बैठा हुआ है और सब चीजों के अलावा हमें यह देखना चाहिए कि वहां पर उस भाव से संबंधित या उस आप कह सकते हैं राशि से संबंधित उस कार्य को उसे लगातार करते रहना चाहिए, यानी वहां पर उसे एक से अधिक या 3 से 4 एक तरह से अटेम्प्ट या कह सकते हैं प्रयास उसको करने की जरूरत होती है। बाकी सब चीजें धार्मिक गतिविधियां और ये सब भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको एक जनरल वे में अगर कहूँ तो अधिक प्रयासों की आवश्यकता को लेता हूँ। विवाह के लिए कुंडली मिलान में कौन सा ग्रह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई चंद्रमा बोलेगा कोई बृहस्पति बोलेगा जैसा मुझे उत्तरों से कम्युनिटी पोस्ट पे पता चला है, बट शुक्र जो है ओवरऑल विवाह का कारक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के विवाह को अच्छी स्थिति को घर में देखना है, तो शुक्र की पोजिशन को हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 13वें नंबर का पर्सन जो है इसमें काफी लोगों ने
उत्तर मेरे हिसाब से एक डिफरेंट उत्तर दिया है, हो सकता है उनको इससे ये उत्तर अच्छा परिणाम देता हो, बट जब भी मैंने इसको देखा है कि यही कहा गया है कि जब राहु और केतु किसी ग्रहण के साथ, अगर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रहण की अगर सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि या उस ग्रह उस प्लैनेट के दूसरे ग्रह पर दृष्टि का मुझे इतना कोई रोल नहीं दिखा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है किसी नोड द्वारा ग्रहण किए गए ग्रह का अन्य ग्रहों पर या उससे दृष्टि नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा इसको करेक्ट फॉर्म में लेता हूँ क्योंकि वो ग्रह ऑलरेडी ग्रहण में है तो उसका असर मैं दूसरे पे नहीं लेता, खासकर दृष्टि के मामले। भृगुनंदी नाड़ी में ग्रह और कारक तत्व समझकर फल प्राप्त करने के लिए कौन सा पहलू या युति सबसे महत्वपूर्ण है? ये आज का ही क्वेश्चन है और आज ये 14वें नंबर का क्वेश्चन था। तो इस पे अभी तक जितने भी मैंने देखा है सभी लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि जो आप सीड है, जो आपका काम करने का या जो रिजल्ट आने का सीड है, वो 159 की कंजंक्शन या युति से आप लेते हैं। बहुत से लोग इसको 212 भी बोल रहे हैं। 212 का रोल नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हमें देखना है कि किस प्रकार का फल मिलेगा वह हम 159 से देखेंगे और वह फल कितना अच्छा या कितना उस फल में कमी रह सकती है वो एक अलग बात है, क्योंकि लेकिन फल का मिलना पहले 159 से ही दिखाती है। तो दोस्तों ये एक मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास, क्योंकि मेरी जो YouTube चैनल का थीम है वो यही है, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। अगर मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में ये कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहा हूँ, क्वेश्चन डाल रहा हूँ और चॉइस दे रहा हूँ और उत्तर ना शेयर करूँ तो मेरी तरफ से वो आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो एक अधूरी रह जाती। इसीलिए मैं 14-14 क्वेश्चन जब हो जाएंगे आपके सामने इसी प्रकार से उत्तर लेकर आता रहूंगा। बट मैं आपसे फिर एक अनुरोध करना चाहूंगा, जब आप इस तरह से किसी चैनल पे देखते हैं आते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वहां पर उसके वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका हो सकता है अपनी च्वाइस हो, लेकिन मेरा जो आपको एक निवेदन करने का फॉर्म है कि या आप कह सकते हैं एक निवेदन करने का तरीका, वो इसलिए नहीं है कि मेरे को यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जीरो से लेके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम द्वारा ही पहुँचा हूँ। आप नहीं प्रेम देंगे तो कोई और भाई बहन देगा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब अधूरे काम करेंगे और किसी से फ्री में चीज देंगे उसको रिटर्न नहीं देंगे, आपको उसका पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और जय श्री राम बोलते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दे